भिवापुर तहसील के दूरवर्ती इलाके में खोलदोड़ा गांव की 38 वर्षीय एक महिला शुक्रवार की सुबह 7 बजे कोरोना के कारण एक चिकित्सा केंद्र में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पिछले 2 दिनों में भिवापुर तहसील के वासी गांव में एक कोरोना रोगी पाया गया था। परिणाम स्वरूप कोरोना रोग के प्रकोप के कारण भिवापुर तहसील दहशत की स्थिति बनी हुई थी। 2 दिन के बाद कोदोड़ा की एक महिला को चेकअप के लिए नांदा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। डॉक्टर ने उसे आगे के इलाज के लिए रेफर कर दिया। 1 दिन के उपचार के दौरान आज सुबह लगभग 7 बजे उसकी मृत्यु हुई। उसकी मौत की खबर आज सुबह से इलाकों में घूम रही है। हालांकि मौत का सही कारण चिकित्सा प्रशासन ने नहीं बताया था और मौत का लिखित कारण शाम लगभग 6 बजे स्पष्ट किया गया। इस महिला की मौत से नागरिकों में डर का माहौल पैदा हो गया क्योंकि कोरोना ने इलाके के गाँव में घुसपैठ कर ली है। प्रशासन ने 3 लड़कियों, 1 महिला, 1 पुरुष और 1 इस्म का तेजी से परीक्षण किया जो मृतक के संपर्क में आए थे। कोदोड़ा गांव के लोग देख रहे हैं कि कल प्रशासन द्वारा क्या सावधानी बरती जाएगी क्योंकि वे डरे हुए हैं। स्वास्थ्य और राजस्व प्रशासन शनिवार को कोदोड़ा गांव पहुंचे। पूरे गांव को छावनी का क्षेत्र में भर्ती कर तब्दील कर दिया। हालांकि गांव की आबादी 350 है लेकिन सभी नागरिकों को इन मृत रोगियों के संपर्क में आने वाले के स्वैब परीक्षण किया गया। अति दुर्गम भागात वसलेले खोलदोडा गाव, त्यामध्ये एका महिलेचा मृत्यू झाला। त्या संदर्भात आपण तहसीलदार भिवापूर अनिरुद्ध कांबळे यांच्या प्रतिक्रिया जाणून घेऊया। काल रात्री संबंधित महिलेचा प्राथमिक कळाली आणि डॉक्टर साहेबांशी संपर्क साधल्यानंतर COVID-19 पॉझिटिव्ह असल्याचे निदर्शनास आले। तर आज सकाळपासूनच इथे सर्व ती कारवाई कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग, हाय रिस्क लो रिस्क कंटेनमेंट झोन सील करण्याची कारवाई इथे सकाळपासून चालू आहे। तर आम्ही त्यांना एकच सांगावंसं वाटते की कोरोना सदृश्य लक्षणं आढळल्यावर तत्काळ आपण आपली तपासणी करून घ्यावी। आपण इथूनच जवळच असलेल्या नॉन PSCला पण टेस्टिंगची सुविधा आहे ती उपलब्ध करून दिलेली आहे। आपण PSC स्तरावर पण टेस्टिंग करत आहे, त्यामुळे सर्वांना एवढंच आव्हान आहे की असं आढळून आल्यास तत्काळ आपली तपासणी करता करून घ्यावी। म्हणजे जर पॉझिटिव्ह आढळला तर आपल्याला तत्काळ त्याच्यावर उपचार करता येतील। मृत्यू झाला त्यामुळे या गावामधील परिस्थिती जाणून घेण्यासाठी सरपंच आलेसूर यांच्या प्रतिक्रिया जाणून घेऊ। आलेसूर ग्रामपंचायत अंतर्गत खोलदोडा इथे एका महिलेचा कोरोनाने मृत्यू झाला आहे। सुल विभाग आणि पोलीस यंत्रणा तसेच आरोग्य विभाग हे सगळे आपलं कामी लागले आहेत। किती जणांचा तपासणी आहे? एकूण 46 लोकांच्या तपासण्या करायच्या आहे, त्याच्यातून आता चालू आहे तपासण्या सगळ्या। हे होते उदयपानजी शेंडे यांनी आपल्या प्रतिक्रिया दिल्या। कॅमेरामनला मत दाखवू शकतो की संदर्भात या महिलेचा मृत्यू झाला, त्यांच्या घराजवळ पूर्ण सील करण्यात आले आहे आणि आरोग्य यंत्रणा तिथे आपले रैपिड टेस्ट घेता है। INBCN न्यूज के लिए भिवापुर से राम बाघ मारे की रिपोर्ट।